हेलो गाइस, वेलकम टू कैनेडी व्लॉग्स। तो अभी इस वक्त मैं खड़ी हूँ हार्बर फ्रंट में टोरंटो की, जो की है डाउनटाउन में। तो पिछले व्लॉग में मैं एक्चुअली अपनी स्नो जैकेट सर्च करने गई थी इंडियन सेंटर में। तो अब स्नो जैकेट मुझे मिली है या नहीं मिली है, तो उसके लिए आप मेरा पूरा व्लॉग देखिए और इस बहाने आप इंडियन सेंटर में घूम लेंगे। तो अभी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये कोई समुद्र नहीं है, ये है लेक ओंटारियो लेक, जो कि कनाडा की फ्रेश वाटर सबसे बड़ी लेक है। और जनरली जब बहुत ज्यादा स्नो गिरती है या टेम्परेचर बहुत ज्यादा नेगेटिव में जाता है, तो ये बहुत पूरी तरह से जम जाती है। पर अभी इट्स आई थिंक ओनली 1 degree इन टोरंटो, तो अभी ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है। और ये वाला जो शिप है मेरे पीछे, वो है कजामा शिप। वो पूरा वुडन का बना हुआ है, वो खूब सारी राइड्स में लेके जाता है, पर अभी फिलहाल वो बंद है क्योंकि टेम्परेचर थोड़ा नेगेटिव में चल रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो अभी फिलहाल वो बंद है। अगर आप समर्स में यहाँ आते हैं तो आप इसकी राइड ले सकते हैं कजामा की, तो ये बहुत अच्छा अनुभव रहेगा आप सबके लिए। हम दोनों अब जा रहे हैं ईडन सेंटर मेरी स्नो जैकेट देखने के लिए। एक्चुअली ये मेरी फर्स्ट विंटर्स हैं कनाडा में, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है स्नो का या किसी भी चीज़ का, तो मैंने कहा व्हाई नॉट टू सी माय स्नो जैकेट। मुझे 200-300 कैड के अंदर मिली तो ठीक है, वरना इससे महंगी मैंने नहीं लेनी। ओके, ये बड़ी हैपनिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे लाइव म्यूजिक भी चल रहा है। और ये ना हमारा H&M में घुस गए थे, अब हम प्रॉपर ईडन सेंटर के अंदर जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं। देखते हैं जहाँ पसंद आ जाती है वहाँ से ले लेंगे, नहीं आती तो नहीं लेंगे। ये बहुत बड़ा है ईडन सेंटर और अभी आई हैव जस्ट एंटर। देखते हैं हम, यहाँ पर मॉल्स हैं प्यारे प्यारे। वाह, हुक्का, आई होप यहाँ हुक्का ना मिलता हो। बैड जोक्स अलर्ट गाइस, मैं ऑलरेडी थक चुकी हूँ, मैं किसी के भी अभी तक अंदर नहीं घुसी हूँ, मुझे नहीं लेनी स्नो जैकेट, थक गई मैं तो भाई साहब। आपने ऐसा कुछ नहीं देखा होगा आज तक लाइफ में, सुपरमैन करके एरिजिया मैंने कुछ लगा रखा है। ये बहुत ही बड़ा है गाइस, दिस ईडन सेंटर इज रियली रियली ह्यूज, जस्ट हैव अ लुक। पर यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा। में भी आ गए हैं, दिस इज मैनशिया और हम जा रहे हैं। एवरीथिंग इज सुपर रिच हियर, ओह माय गॉड, बहुत बहुत फैंसी स्टफ है, आई कैन नॉट अफोर्ड इट राइट नाउ, सॉरी। और मेरे को स्नो जैकेट भी नहीं मिली क्योंकि टू बी ट्रू बहुत महंगी थी, तो हम बिना स्नो जैकेट के जा रहे हैं वापस। कौन कहता है यहाँ पे एस्केलेटर चलते हैं, देखो बंद पड़ा है एस्केलेटर, यहाँ पे पैदल पैदल उतर रहे हैं, हम खो गए हैं हम इधर, हमें कहीं जगह जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। ऊपर से आज टोरंटो में 1 degree टेम्परेचर है, तो इट्स नॉट दैट विंडी या चिली, आज इतना नहीं है, पर हाँ ऐसे ही सोचा थोड़ा सा वेदर अपडेट दे दूँ आपको। ये और घूम लीजिए आप मेरे साथ साथ थोड़ा सा मॉल, मैं बहुत थक रही हूँ, मेरे को पानी पीना है। अंकल जी मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है।
यहाँ पे आपको दुनिया के सारे महंगे ब्रांड्स मिलेंगे, कोच, गैरी, लुलू लेमन, एवरीथिंग, जिनके नाम भी हमें बोलने नहीं आते वो सब मिलेगा। ये पिज़्ज़ा है गाइस, यहाँ का बड़ा फेमस पिज़्ज़ा, ये खुला रहता है 24/7, तो आप कभी भी आओ खाओ। मुझे एक पर्टिकुलर पिज़्ज़ा यहाँ का बड़ा पसंद है, मशरूम वाला। पूरी आवाज़ यहीं करके गए आदमी। तो मुझे बहुत पसंद है यहाँ का एक पर्टिकुलर पिज़्ज़ा जो कि है मशरूम वाला, तो आप ज़रूर ट्राई करना जब भी आओ। तो गाइस, एंड रिजल्ट कंक्लूजन ये रहा है कि मुझे स्नो जैकेट नहीं मिली। नंबर वन, इतनी ज़्यादा महंगी थी, मतलब अबव 500 कैड थी, तो मैंने नहीं ली। सेकंड, मेरे साइज की भी नहीं मिली। और थर्ड, अभी फिलहाल मैं लेयरिंग से काम चलाती हूँ, देखते हैं कभी फ्यूचर में स्नो जैकेट मिली, डिस्काउंट पे हुई तो मैं ज़रूर लूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैनेडी ब्लॉग्स।